जैसा कि आपने देखा आज की रेसिपी है अ यम्मी दही भिंडी मसाला। बहुत बहुत इजी है बनाने के लिए। इंग्रेडिएंट्स एज यूजुअल वेरी इजी टू गेट इवन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड इट इज डिलीशियस टू ईट। नाउ भिंडी इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल बट देयर आर कॉमन मिस्टेक्स दैट यू नो पीपल एंड अप मेकिंग व्हाइल पिकिंग आउट दिस भिंडी फ्रॉम द मार्केट। अब याद रखिए ऑलवेज पिक भिंडी व्हिच इज इवनली ग्रीन एंड इसके जो टिप्स है इंस्टेड ऑफ बेंडिंग दे शुड लाइक स्नैप ऑफ। दैट्स व्हेन यू नो कि आपकी भिंडी एकदम फ्रेश है, एकदम टेंडर है एंड इट विल कुक वेरी वेल एंड इट वॉन्ट बी वेरी स्ट्रिंगी। सो कीप दिस टिप इन माइंड। तो चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये दही भिंडी मसाला एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। कढ़ाई में ले लीजिए थोड़ा तेल, एड योर स्लाइस्ड अनियंस एंड योर भिंडी। अब इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, वी डोंट वॉन्ट टू कुक इट ऑल द वे। 3/4 डन होगा तब तक फ्राई करना है। एड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड कंटिन्यू टू फ्राई दिस ऑन अ मीडियम हाई हीट for like 3-4 minutes. You'll see that the onions have started to brown and that's when you want to actually take this out of the kadhai. ध्यान रखिए कि इसे पूरा नहीं पकाना है, 3/4 डन हो जाएगा तब इसे निकाल दीजिए। अब सेम पैन में लीजिए थोड़ा सा तेल, एड योर चॉप्ड गार्लिक, सम चॉप्ड ग्रीन चिलीज, some chopped ginger and saute this for a minute. अब इसमें डालिए लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा जीरा and continue to cook this for like 30-40 seconds. अब डालिए टमेटो प्यूरे, a little bit of salt और इसे reduce कर दीजिए till most of the water has evaporated. So there you see it's become nice and thick. अब इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला। इसे और थोड़ा पकाएंगे, अभी मसाले को अच्छे से पकाना है। सो एड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड इसे अच्छे से भूनिए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स अगेन इट विल ड्राई अप, मसाला इज कुक्ड। अब डाल दीजिए थोड़ा सा दही, अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेश क्रीम एंड मिक्स इट ऑल अप रियली नाइस। Add a little bit of water. अब इसे हम पकाएंगे for another 2-3 minutes. You'll see that this gravy starts to thicken up really nice. और तब डाल दीजिए आपकी onions and भिंडी। अब इसे थोड़ा पानी डालकर हम और 2-3 मिनट तक पकाएंगे, ढककर पकाना है। And once it's done, you'll see like the oil has separated from the masala and the bhindi has like cooked well. It's nice and tender. Ab obviously finish to karna hai with some chopped coriander. Serve kijiye ise on a plate and mere paas thoda sa chili oil hai, main usse garnish kar raha hu and thoda sa chopped coriander to finish it all off. अब इसे आप enjoy कीजिए with some rice and rotis. And happy eating, guys. That was the recipe for the dahi bhindi masala. देखा कितना easy recipe है और ये खाने में उतना ही tasty है जितना ये दिख रहा है. And I recommend all you guys to try this recipe. आप अगर भिंडी नहीं भी खाते हो, I'm telling you, ये recipe खाने के बाद आप भिंडी खाना शुरू कर देंगे और अपने हाथों से बनाएंगे तो I'm sure definitely you guys will start eating any vegetable. So I recommend you guys head to your kitchen, gather all the ingredients and make sure you make this recipe. And I'll see you tomorrow with another recipe. Till then, bye.